शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज हनुमान नगर इलाके में रैली निकाली और प्रभाग की जनता से मुलाकात कर उनकी नागरिक समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक और शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद थे। सुरेश कुलकर्णी और शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि हनुमान नगर में अपेक्षित विकास नहीं होने से जनता नाराज है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर हनुमान नगर में नागरिकों के लिए जरूरी सभी सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखें रिपोर्ट। इसके पहले जो भी नगर सेवक जो था उन्होंने सर 25 साल में कुछ भी नहीं किया। नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, इस तरीके से उनको दम दिया गया था। ना गटर सही है, ना गली सही है, ना लाइट का सही है, कुछ भी सही है। नवी मुंबई तुर्बे के हनुमान नगर में स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने आज रैली निकाली और रहवासियों से मुलाकात कर उनकी नागरी समस्याओं का जायजा लिया। उप जिला प्रमुख प्रकाश पाटिल और तैयब पटेल एवं गुलाब भिड़े समेत कई पदाधिकारियों के साथ हनुमान नगर की गलियों में रैली निकालते हुए शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने यहाँ बिजली, पानी, गटर एवं स्वच्छता का हाल जाना। स्थानीय लोगों ने गटर, नाली, बिजली, पानी से जुड़ी तमाम दिक्कतों और अपेक्षित सेवा सुविधाओं का विकास नहीं होने से निवर्तमान नगर सेवक पर नाराजगी जताई। इस पर सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि जनता परिवर्तन और विकास चाहती है और शिवसेना चुनाव जीतने पर हनुमान नगर का कायापलट करके दिखाएगी। यहाँ पर जो परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर अभी तक जो भी काम है, गटर का समस्या है, पाइपलाइन का समस्या है, अभी इन लोगों ने सब देखा ही उस जगह पे, वायर का समस्या है, वो हम लोग को बोलते हैं तुम्हारा वार्ड देखते हैं, कार्य सम्राट बोलते हैं, उधर का काम नहीं कर सकता है। तो मेरा मैं तो NRI में नहीं रहता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, तो NRI से आके इलेक्शन आएगा तब आएगा तुम काम करेगा। आज पाइप देखा मैं, गटर का काम चालू है, 5 साल ये गटर का काम और पाइपलाइन का काम नहीं होता है। सिर्फ इलेक्शन आ गया तो चार पाँच महीना पहले आएंगे इधर, फिर सबका समस्या क्या है वो पूछेंगे। जनता चाहती है यहाँ की विकास, यहाँ के लोग को यहाँ के रोजगार होना चाहिए, यहाँ का जो भी काम छोटा मोटा काम है, पानी का प्रश्न है, वायर का प्रश्न है, केबल का प्रश्न है, यहाँ पर नौकरी का प्रश्न है, ये सब छूटना मांगते हैं। और हम लोग आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, खासदार साहब के माध्यम से, नाडा साहब के माध्यम से, हमारे उप जिला प्रमुख है प्रकाश पाटिल, उनके माध्यम से हम लोग का जो भी कुछ शाखा प्रमुख का काम होएगा उनके माध्यम से, विभाग प्रमुख के माध्यम से, ये हम लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा उनका कैसा सॉल्व होएगा इसके बारे में हम लोग प्रयत्न करेंगे। समस्या किस तरह की नहीं है ये पूछिए आप, हर तरह की यहाँ पे समस्या है। लोग अभी आए चल के, दो बार तो गिरने से बचे, इस तरह की माहौल है उधर। ना गटर सही है, ना गली सही है, ना लाइट का सही है, कुछ भी सही है। विकास तो हम लोग को दिख रहा है उनका ही, इधर तो कुछ विकास नहीं दिख रहा है, उनका बहुत विकास हुआ है, इधर तो विकास हमको दिखाई नहीं। अभी आप भी जा सकते, घूम सकते, देखिए कुछ विकास हुआ है क्या। वहीं शिवसेना पदाधिकारियों ने भी हनुमान नगर की नागरी समस्याओं के लिए निवर्तमान नगर सेवक को जिम्मेदार ठहराया और भरोसा जताया कि सुरेश कुलकर्णी के नेतृत्व में तुर्बे स्टोर्स के जैसा ही विकास हनुमान नगर की जनता को देखने के लिए मिलेगा। लोगों को इतना परेशानी है जिस परेशानी की कोई हद नहीं है, जैसे गटर हो गया, मीटर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे सही तरीके से मिलती नहीं। अभी हमको किसी से डरना नहीं है, हमको डराना है कि तो सामने वाले ने गरीबों को डराने का काम चालू किया, अभी उनको हमको डराना है। अभी सेठ ने तो एक दावा तो हम पे ले लिया कि अभी छः सीट अपने बदौलत पे इधर पे जीत के लेकेंगे, वो 100% जीत के लेकेंगे, हमें उस चीज़ की खातरी भी है। कुलकर्णी साहब के ऊपर सबका भरोसा है, कुलकर्णी साहब एक कार्य सम्राट कहा जाता है और कुलकर्णी साहब काम करते हो सब लोगों को पता है। और इस बार लोग चेंज करना के पहला का जो नगर जो चेंज करना चाहते हो, कुलकर्णी साहब का जो हमारा शिवसेने का इस बार नगर सेवक बनाना चाहते हैं। और सर इसके पहले जो भी थे नगर सेवक जो था उन्होंने सर 25 साल में कुछ भी नहीं किया। लोग सर समझ चुके हैं कि हर प्रभाग में काम अच्छे हो रहे हैं। कुलकर्णी साहब के पास चार पाँच वार्ड में काम, और यहाँ का नगर सेवक एक वार्ड में 25 साल, यहाँ कुछ और छोटा सा वार्ड है, इस वार्ड में उन्होंने कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।